गाड़ी आप साइड में देखिए, बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएगी, फुट मूवमेंट भी आप चेक करते रहिएगा। इजिली पिक हो गई बिना किसी मदद के, ये मैच हो चुका है। और अब मेरी गाड़ी आप देखिएगा कितने कॉर्नर में खड़ी हुई है परफेक्शन के साथ, एक ही बार में एक 90 डिग्री का टर्न आएगा, उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे कि गियर स्विचिंग आपको टर्न आने से थोड़ा सा पहले ही कर देनी है। कोई भी गाड़ी अगर आ रही है ना सामने से, देखिए जब तक वो ए पिलर के राइट में रहेगी, ये रहेगी ब्रेक, मैंने दबाया ब्रेक रिलीज करते ही देखिए गाड़ी कितने स्पीड से पीछे जा रही है। जब आप हाई स्पीड पे चलते हैं ना, ये छोटे छोटे जजमेंट आप उस टाइम पे एकदम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज हम यहाँ पर देखेंगे कि चढ़ाई में चढ़ते बिना आपको गियर सिलेक्शन अच्छे से कैसे करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपकी गाड़ी अच्छी फ्यूल इकोनॉमी निकाल के भी देखिए, और कुछ गलतियाँ आपको नहीं करनी है वो भी हम चलते चलते बात करेंगे। अब रोड देखिए, ये टू लेन रोड है, गाड़ी भी सामने वाली मेरी ही तरफ आएगी, बीच में कोई डिवाइडिंग लाइन भी नहीं है। मतलब कई लोग अंदाजे से चलते हैं ना कि मुझे हाफ लाइन के इधर रहना है, तो वो भी यहाँ पर नहीं है, आपको बस अंदाजे से चलना है। वो अंदाज़ा आपको कैसे सेट करना है उसके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ गाड़ी को पिक करना, और वो भी किस तरह से, बिना हैंड ब्रेक की मदद से। अब देखिए अभी हैंड ब्रेक लगा हुआ है, मैं हैंड ब्रेक को डाउन कर देता हूं, देखिए हैंड ब्रेक डाउन हो चुका है। अब मैंने फुट ब्रेक की मदद से गाड़ी को रोका है, देखिए जैसे ही फुट ब्रेक रिलीज करूंगा गाड़ी देखिए पीछे जा रही है। तो गाड़ी को अच्छे से पिक कैसे करना है, इसके आप सीक्वेंस ध्यान रख लीजिए। सबसे पहला आपको भी क्लच को प्रेस रखना है, सबसे पहला स्टेप ये होता है। देखिए फुट ब्रेक पे तो आपका पैर होगा ही, आपको सबसे पहले क्लच को प्रेस करना है, फिर अपना गियर स्लॉट करना है। देखिए फर्स्ट गियर स्लॉट हो गया, अब मुझे क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्लच को हल्का सा रिलीज करना है। देखिए गाड़ी देखिए आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, मतलब पर ब्रेक की मदद से रुकी है। तो थर्ड स्टेप मतलब क्लच को हल्का सा रिलीज करके आपको तुरंत स्विचिंग करनी है फुट ब्रेक में और एक्सेलरेटर में। अब ये स्विचिंग इतनी फास्ट होनी चाहिए कि भाई आपकी गाड़ी अच्छे से पिक हो जाए। देखिएगा आप ध्यान से, क्लच में हल्का सा रिलीज कर रहा हूँ, और देखिए गाड़ी आप साइड में देखिए बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएगी, फुट मूवमेंट भी आप चेक करते रहिएगा। देखिए ईजिली पिक हो गई बिना किसी मदद के। अब देखिए फिर से करके दिखाता हूँ, देखिए फुट ब्रेक रिलीज करा, गाड़ी पीछे जा रही है। अब देखिए हल्का सा रिलीज करूंगा, देख बिना किसी प्रॉब्लम के एक इंच भी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही आप अपनी गाड़ी को पिक करिए, और हमेशा ध्यान रखिए चढ़ाई वाले रास्ते में, आप देखिए सेकंड गियर में गाड़ी मोशन ही नहीं बना रही है। क्यों नहीं बना रही है, क्योंकि मैंने फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में स्विचिंग बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी। तो आपको हमेशा गियर सिलेक्शन अच्छे से करना है, कर्व्स आते हैं ना तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। आप देखिए कैसे रहना है, अभी मेरी गाड़ी थर्ड गियर में चल रही है, आगे एक्सट्रीम चढ़ाई है, वहाँ पर एक 90 डिग्री का टर्न आएगा, उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे कि गियर स्विचिंग आपको टर्न आने से थोड़ा सा पहले ही कर देनी है, अगर आपको रोड का अंदाज़ा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्न है, मेरी गाड़ी का मोशन टूट भी रहा है, तो मैं भाई अपनी गाड़ी को पहले ही सेकंड गियर में डाल दूंगा। देखिए और ईजिली बिना किसी प्रॉब्लम के मैंने जो है टर्न को क्रॉस कर दिया, और हल्का सा एक्सेलरेट करके तब गियर को स्विच करिए। इसी तरह से आपको अपनी गाड़ी को चलाते रहना है, अपनी साइड पे चलिए, कहीं पर आपको लाइन दिखेगी कहीं पर लाइन नहीं दिखेगी, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। टर्न पे आपको गाड़ी को अपनी ही तरफ रखना है, ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए अभी बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, मैं फोर्थ गियर में स्विचिंग नहीं करूँगा, जैसे ही मुझे जगह मिलेगी मैं उस टाइम पर स्विचिंग करना स्टार्ट करूँगा। पहाड़ में चलने का एक और नियम, आपको भाई रोड को आगे तक थोड़ा सा नज़र मार के चेक करते रहना है, क्योंकि होता क्या है ना, ये ए पिलर बहुत ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट बनाता है। अब ये ब्लाइंड स्पॉट की वजह से ना कई बार बगल वाली गाड़ी विजिबल ही नहीं होती है जब तक कि वो बिल्कुल मुंह पे ना आ जाए। अब ये ब्लाइंड स्पॉट दोनों जगह बनता है, लेफ्ट में राइट में, इसको भाई बिल्कुल ख़त्म तो आप नहीं कर सकते हैं, पर रिड्यूस करने के लिए आपको भाई अपनी गर्दन को टिल्ट करके देखिए, साइड ग्लास की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिससे आप आने वाले ट्रैफिक को दूर से ही देख ले कि भाई कोई गाड़ी आ रही थी और वो इस टाइम पे मेरे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हो सकती है। अब देखिए हल्का सा मैं ब्रेक लूँगा क्योंकि बहुत शार्प टर्न है, देखिए, और गाड़ी को अपनी ही साइड पर रखूँगा। आप गाड़ी दूसरी लाइन पे मत ले जाइए, वरना आपकी हैबिट बन जाएगी बार बार कि आपकी गाड़ी बाहर जाती रहेगी, आपको ज़्यादा अंदाज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से ही आपको अपनी गाड़ी को चलाना है। देखिए अब स्पीड यहाँ पर कम होने वाली है, तो मैं पहले ही थर्ड गियर लगा दूंगा, देखिए, जिससे मेरी गाड़ी का मोशन नहीं टूटेगा। अगर आप वेट कर रहे हैं आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो हो तब मैं गियर चेंज करूँ, तो यकीन मानिए आपको एक गियर नहीं, दो गियर या तीन गियर भी डाउन शिफ्ट करने पड़ सकते हैं, क्योंकि गाड़ी का इनिशियल मोशन टूट जाता है। तो वो मोशन बरकरार रहे इसलिए आपको अपनी गाड़ी को तुरंत ही डाउनशिफ्ट कर देना है, जैसे ही गाड़ी की रिक्वायरमेंट हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा हाथ उतना साफ नहीं है, आपका पूरा ध्यान स्टीयरिंग कंट्रोल में रहता है, तो कोशिश करें देखिए टर्न आने से पहले ही आप अपने गियर को एक डाउनशिफ्ट कर लीजिए। अब देखिए रोड पे यहाँ पर ऐसे पत्थर भी पड़े रहते हैं खतरनाक से, तो आप थोड़ा संभल के चलिए अगर आप ऐसी जगह पर आ रहे हैं जहाँ पर ऊपर पहाड़ हैं।
तो देखिए ऐसे ही स्लो स्लो चलते रहिए, कोशिश करें दोनों हाथ अपने स्टेयरिंग व्हील पे रखें, और टर्न आने से पहले जैसे मैं बोल रहा था गियर अगर आप चेंज कर देंगे ना तो टर्न पे आप पूरा फोकस गाड़ी को टर्न करने में लगा सकते हैं जिससे दिक्कत नहीं आएगी। तो बस देखिए ऐसे ही स्लो स्लो चलते रहिए। जब आप सीख रहे हैं ना गाड़ी, बहुत ज़्यादा एवरेज पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मेरी गाड़ी 19 प्लस का एवरेज निकाल रही है जबकि मैं 570 किलोमीटर की ड्राइव कर चुका हूँ, तो गाड़ी अच्छा एवरेज भी निकालती है। गियर सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए और ज़्यादा एक्सेलरेट आपको नहीं करना है। अब दो ऑप्शन होते हैं कि भाई या तो हम हायर गियर, मतलब आप फोर्थ गियर में चल रहे हैं, या तो आप पूरा एक्सेलरेट करते रहें और गाड़ी एंड टाइम तक बिल्कुल चलती रहेगी, बिल्कुल मतलब खींच खींच के चली रही है, या फिर आप डाउनशिफ्ट कर लीजिए और पूरा एक्सेलरेटर प्रेस ना करें। उससे एडवांटेज ये मिलता है ना, फ्यूल इकोनॉमी अच्छी निकलती है। तो हमेशा डाउनशिफ्ट कर लीजिए, सही गियर पे चलेंगे ना अगर चढ़ाई में तो आपको हमेशा एडवांटेज मिलेगा और गाड़ी का मोशन भी नहीं टूटेगा। देखिए फोर्थ गियर में स्ट्रगल कर रही थी, मैंने तुरंत थर्ड गियर में शिफ्ट करा, उससे इनिशियल मोशन अच्छा बन गया, और जब मेरी गाड़ी स्पीड गेन करेगी ना तब मैं जाके फोर्थ गियर पे आ जाऊँगा। ऐसे ही आप गाड़ी को चलाते रहिए, यकीन मानिए आपकी हैबिट भी अच्छी हो जाएगी और आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब लेफ्ट राइट जजमेंट का मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी गाड़ी अगर आ रही है ना सामने से, देखिए जब तक वो ए पिलर के राइट में रहेगी, ये रहेगी, तो वो राइट से ईजिली क्रॉस हो जाएगी। लेफ़्ट की बात करें तो लेफ़्ट से भाई जो गाड़ी आ रही है ना भाई, आप उसे ओवरटेक कर रहे हैं, साइड में लगा रहे हैं, उसमें लेफ़्ट का जजमेंट काम आता है। आप लेफ़्ट से गाड़ी को अच्छे से पार्क भी कर सकते हैं कॉर्नर में, जिससे दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए अभी टर्न आ गया और आसानी से मेरी गाड़ी जो है अपनी ही साइड पर चल रही है ना, गाड़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है क्योंकि भाई गाड़ी का मोशन बना हुआ है ना, ना मैं ज़्यादा ब्रेक ले रहा हूँ। देखिए दोनों चीज़ें रिलेटेड होती हैं। आप एक्सेलरेट ज़्यादा करेंगे ना तो आपको ब्रेक भी उतने ही ज़्यादा लेने पड़ेंगे, तो कोशिश करें कि एक्सेलरेट इतना ही करें कि आपको ब्रेक कम लेने पड़े। ये देखिए आराम आराम से चलते रहिए, गाड़ी को ज़्यादा स्ट्रगल ना करवाएं। अब देखिए मैं दूर तक साइड से देख लूँगा क्योंकि इतने छोटे टर्न्स में ना ये ए पिलर बहुत ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट बनाता है, स्पेशली टाटा की गाड़ियों में। अब देखिए ये गाड़ी को मैंने साइड से देखा, वरना भाई अगर मैं फ्रंट के ग्लास की हेल्प लेता ना तो ए पिलर की वजह से मुझे गाड़ी विजिबल ही नहीं होती जब तक वो बिल्कुल मेरे मुंह पे नहीं आ जाती। अब देखिए लेफ्ट के लिए मैं लेफ्ट साइड का जजमेंट ले रहा हूँ, ये सेंटर वाली मार्किंग अपने आप से तो मैं नहीं लेता हूँ, बस आपको बताने के लिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि अब मुझे आइडिया हो चुका है गाड़ी का, पर आपको बताने के लिए ये सेंटर टेपिंग मैंने करी है ना, ये लेफ्ट की जजमेंट होती है। मतलब पूरी गाड़ी की विंडशील्ड को हाफ में डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट साइड का जो पोर्शन होता है उसको बचाने के लिए आपको भाई आगे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको सेंटर के लेफ्ट में रखना है, जिससे लेफ्ट का जजमेंट हो जाएगा। और राइट के जजमेंट के लिए आपको भाई ये ए पिलर की हेल्प लेनी है फ्रंट के, राइट का जो ए पिलर है ना जब तक सामने वाली गाड़ी इससे राइट में रहेगी तब तक वो गाड़ी सेफ रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रोकने का भी आपको अभी आगे पे बताऊंगा मैं कि अच्छे से आपको गाड़ी को एक बार में कैसे रोकना है कॉर्नर में, पर उससे पहले आप देखिए स्लो चलते रहिए। आगे पे चढ़ाई है ना, मैं तुरंत एक गियर डाउनशिफ्ट कर लूँगा जिससे भाई मुझे एडवांटेज मिलेगा। अब आप देख सकते हैं अब यहाँ पे थोड़ा सा मोशन ख़त्म हो रहा है गाड़ी का, तो तुरंत एक गियर डाउनशिफ्ट पहले ही कर दिया। गिरेगी ना गाड़ी ने स्ट्रगल करा और ना ही मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ी। अब देखिए अब देख रहे हैं आप कैसे कैसे पागल चल रहे हैं, मतलब उसे दिख भी रहा है कि गाड़ी आ रही है और तभी भी वो मुंह पे आए जा रहा है, मतलब ओवरटेक करने के लिए। तो ऐसे नौसिखिए आपको नहीं बनना है, मतलब एक से बढ़ के एक पागल रोड पे चल रहे हैं ना, पर आपको अपना बचाव पहले करना है। अब देखिए मैं चढ़ाई पे था जबकि तभी भी वो ओवरटेक करने की इतनी जल्दी में था ना, और सोचिए आगे टर्न था अगर कोई गाड़ी आ जाए तो ये लोग ना दूसरे के लिए भी डेंजरस हो जाते हैं, तो इनसे ही आपको बचना है। अब देखिए गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, तुरंत मैंने थर्ड गियर में शिफ्ट करा। अब देखिए चढ़ाई में मैं फिर से आपको बता देता हूँ, रोक के उठाना गाड़ी को देखें और हमेशा फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को पिक करें। देखिए ब्रेक मैंने दबाया, ब्रेक रिलीज करते ही देखिए गाड़ी कितने स्पीड से पीछे जा रही है। पहला स्टेप क्लच को पूरी तरह प्रेस रखना है, दूसरा स्टेप आपको भाई अपना गियर स्लॉट करना है, तीसरा स्टेप हल्का सा क्लच छोड़ के और तुरंत स्विचिंग करनी है ब्रेक और एक्सेलरेटर में। अब देखिएगा पहले मुझे क्लच हल्का सा रिलीज करना है, बिना किसी दिक्कत के गाड़ी इजीली पिक हो गई। अब हमें ना प्रैक्टिस हो गई है, देखिए टाइम के साथ आपको भी हो जाएगी, आप भी एक ऐसा टाइम आएगा ना कि आपको भाई गाड़ी के स्टेप्स को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कब क्या करना है और इजीली आप अपनी गाड़ी को पिक कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ईजी हो जाती हैं, जैसे भाई स्टार्टिंग में जब छोटे होते हैं ना हम लिखना स्टार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, धीरे धीरे हम यूज़ टू हो जाते हैं यार, कहीं भी कुछ भी लिखना है कैसे भी राइटिंग बनानी है सब बना लेते हैं। वही आप चीज़ अप्लाई करिए, आप कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं ना स्टार्टिंग फेज़ में वो दिक्कत करती है, आपको हर चीज़ याद करनी पड़ती है, पर धीरे धीरे जब आप उसके यूज़ टू हो जाते हैं ना तो भाई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अब देखिए टर्न आ गया है ना, थोड़ा सा एक्सेलरेटर आपको कंट्रोल करना है, ज़्यादा स्पीड नहीं देनी है। टर्न पार करने के बाद तुरंत हल्का सा देखिए एक्सेलरेटर बढ़ा दीजिए और ईजिली आपकी गाड़ी
अपनी ही साइड पे अच्छे से चलती रहेगी। अब देखिए थर्ड गियर में चल रही है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, पर मेरा इनिशियल मोशन इतना अच्छा था ना कि मेरी गाड़ी को कोई भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बिना किसी परेशानी के गाड़ी आराम से चल रही है। तो ऐसे ही आप अपनी गाड़ी को चलाते रहें, कहीं पर अगर मोशन टूट रहा है तुरंत डाउनशिफ्ट कर लीजिए, गाड़ी कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। अब एक बार मैं गाड़ी को आपको ना हैंड ब्रेक के साथ भी उठाना दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने भाई आपको बिना हैंड ब्रेक के ही दिखाया। देखिए अब मैंने न्यूट्रल कर दी है गाड़ी, अब देखिए गाड़ी पीछे जा रही है। देखिए फुट ब्रेक रिलीज़ करते ही हैंड ब्रेक को अच्छे से खींचिए, ऐसा ना हो कि आपने हैंड ब्रेक देखिए आधा खींचा हुआ है। अब देखिए गाड़ी देखिए पीछे जाती रहेगी, आपको अंदाज़ा नहीं आएगा, पीछे कोई गाड़ी चिपक के ना तो उससे टकरा जाएगी। अभी तो यहाँ पे खाली रोड है, पर कोई गाड़ी पीछे होती ना तो उससे टकरा जाती। तो आपको हैंड ब्रेक को लास्ट मोमेंट तक खींचना है। देखिए गाड़ी अच्छे से रुक गई है, अब वही स्टेप, क्लच को प्रेस करिए, गियर स्लॉट करिए, हल्का सा क्लच को रिलीज़ करना है, जिससे गाड़ी देखिए आवाज़ से देखिए देखिए गियर में आने की कोशिश कर रही है पर आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि पिछले टायर लॉक है हैंड ब्रेक की मदद से। अब हल्का सा क्लच रिलीज़ करके ना फुट ब्रेक की जगह आ गया हैंड ब्रेक, तो हैंड ब्रेक डाउन करके और साथ ही साथ एक्सेलरेटर आपको देना है। अब देखिएगा आप हैंड ब्रेक में डाउन करूँगा, देखिए क्लच में रिलीज़ करा, देखिए बिना किसी प्रॉब्लम के एक इंच भी गाड़ी पीछे नहीं गई। ये तरीका है विद हैंड ब्रेक गाड़ी को उठाने का। अब हैंड ब्रेक और फुट ब्रेक ना आप ब्रेक से समझ लीजिए, बस हैंड ब्रेक में हम हाथ से ब्रेक को कंट्रोल करते हैं और भाई फुट ब्रेक जो होता है वो हम पैर से कंट्रोल करते हैं, यही डिफरेंस होता है। बाकी स्टेप सेम रहते हैं कि आपको हल्का सा पहले क्लच को रिलीज़ करना है जो गाड़ी गियर में आने लग जाए, उससे क्या होता है ना गाड़ी पीछे नहीं जाती है, वही भाई एक टर्निंग पॉइंट होता है गाड़ी को पिक करने का। जैसे ही आप हल्का सा क्लच को रिलीज़ करते हैं और गाड़ी गियर में आने लग जाएगी ना तो आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाती है, मतलब वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। उसके बाद आप स्विचिंग करेंगे, आपको थोड़ा सा एक सेकंड का टाइम मिल जाता है जिसमें आपकी गाड़ी पीछे स्लाइड नहीं होती है। तो आपको क्लच सबसे पहले गियर स्लॉट करने के बाद हल्का सा रिलीज़ करना है, जिससे आपकी गाड़ी थोड़ा बहुत आगे का मोशन बनाने लग जाए, और उसके बाद ये ब्रेक छोड़ के अपना एक्सेलरेटर प्रेस करिए। देखिए कितनी संकरी रोड है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से चलिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी और हमेशा आप अपनी साइड बचा के चलिए। देखिए राइट वाली गाड़ी राइट से निकली, राइट के ए पिलर से बाहर और पूरी तरह सेफ। तो ये सही तरीका है गाड़ी को चलाने का, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे पहाड़ी रास्तों में चल रहे हैं या कैसे भी टेरेन पे चल रहे हैं। अब देखिए अब मैं भाई हाईवे पे मर्ज होने वाला हूँ, अभी तो ये लिंक रोड थी ना तो इसमें ज़्यादा ट्रैफिक फिर भी उतना नहीं था, पर यहाँ पर जाकर आप थोड़ा बहुत स्पीड गेन कर पाएंगे। अब देखिए अब मैं फोर्थ गियर में आ चुका हूँ, स्लो चलिए। अभी रेत का ढेर था ना, मैंने ये सेंटर लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ रखा, जिससे मेरा टायर जस्ट इसके ऊपर से क्रॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं गाड़ी को लास्ट में आपको रोकना सिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। देखिए गाड़ी, कई लोग बोलते हैं हम हाई स्पीड में, भाई सामने वाली गाड़ी का कैसे पता चलेगा कि भाई वो हमारे राइट के बाहर है? भाई आपको दूर से अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए पहली बात तो सामने वाला अपना आपको खुद ही बचाएगा मैक्सिमम केसेस में, अभी एक जो सरफेरा था उसके अलावा मैं बात करूँ, ऐसे लोग हैं तो उनको तो आपको बचाना पड़ेगा, पर अगर मैक्सिमम लोग सामने से आ रहे हैं वो अपने आप को अपने आप ही बचाएंगे पहले। दूसरी चीज़, जब आप हाई स्पीड पे चलते हैं ना, ये छोटे छोटे जजमेंट आप उस टाइम पे एकदम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि भाई जैसे मैं बहुत स्पीड में चल रहा हूँ तो भाई मैं वहाँ पर ये पॉइंट मैच थोड़ी करता रहूँगा। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर ना दूर में आप अंदाजे से चलते हैं। देखिए वो गाड़ी है ना, मैं उसके टायर देख रहा हूँ कि वो अपनी साइड पर चल रही है तो मेरे पे जगह है, तो ये अंदाज़ा आपको धीरे धीरे गाड़ी चलाने के साथ हो जाएगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब गाड़ी में आपको साइड में रोकना बताता हूँ कि भाई अच्छे से आप गाड़ी कैसे रोक पाएंगे। अब यहाँ पर तो बहुत संकरी रोड है ना, सामने वाला ट्रैफिक डिस्टर्ब होगा, कहीं पर थोड़ी सी चौड़ी जगह मिलेगी तो मैं कोने में आपको बिल्कुल सटा के गाड़ी को बताऊँगा कि एक बार में आपको अपनी गाड़ी को किस तरह से रोकना है, जिससे भाई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए कहीं पर वाइट लाइन में देखता हूँ, जिससे भाई आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि मेरी गाड़ी वाइट लाइन के अंदर खड़ी हुई है। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा लैंडस्लाइड का खतरा है, तो यहाँ पर तो मैं गाड़ी को नहीं लगाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको गाड़ी को रोक के बताता हूँ, आपको अपनी गाड़ी को ना बिल्कुल कॉर्नर में ले जाना है। देखिए कॉर्नर में कोई भी एज आप मार्क कर लीजिए, देखिए जैसे कोने में मुझे पता है कि बैरिकेड है ना, तो बैरिकेड को मैं मार्क कर लूँगा लेफ्ट साइड के जजमेंट से। देखिए देखिए मैं मैच कर रहा हूँ, देखिए अभी मैच हो चुका है, शायद कैमरे में उतना पता ना चल रहा हो, पर देखिए ये मैच हो चुका है और अब मेरी गाड़ी आप देखिएगा कितने कॉर्नर में खड़ी हुई है परफेक्शन के साथ एक ही बार में। पहले मैं आपको लेफ्ट साइड का मिरर दिखा देता हूँ, ये देखिए बिल्कुल रोड के एच पे मैंने लगाया, और अब मैं दिखाता हूँ आपको राइट साइड का, देख रहे हैं आप बिल्कुल टायर यहाँ पर है, वाइट लाइन बिल्कुल बिल्कुल वाइट लाइन के ऊपर ही आया है देखिए, और इतनी संकरी जगह में ना, मैं बाहर से भी अभी आपको दिखाऊंगा कितने अच्छे से मैंने गाड़ी को लगाया। तो ऐसे ही आपको अपनी गाड़ी को रोकना है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रहता हूँ कि गाड़ी कैसे कॉर्नर में लगानी है। इसी तरह से आपको अपनी गाड़ी को बिल्कुल कॉर्नर में लगाना है। देखिए, मैंने एक बार में लगाया, ना कोई मुझे गाइड करने वाला था, पर हाँ इस टाइम पे ना साइड वाले को उतरने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर ये तब था जब मैं अकेला हूँ। अगर कोई साइड में होता पहले मैं उसे उतार देता या फिर मैं थोड़ा गाड़ी को और बाहर पे लगाता। पर ऐसे ही आपको जजमेंट लेना है परफेक्ट तरीके से। देखिए, मैंने लेफ्ट साइड का जजमेंट लेते हुए गाड़ी को लगाया। ऐसे ही आप भी परफेक्शन ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ डाउट रह गया है मन में इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक बने रहें चैनल के साथ श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।